ओके तो यहाँ पर अभी मैं सीपीयू बस को थोड़ा सा ज़रा डिफाइन करूँगी, इनपुट आउटपुट बस को डिफाइन करूँगी। तो सीपीयू बस एज ए टाइम इंटरवल व्हेन ए प्रोसेस यूज सीपीयू ओनली, सही है। सीपीयू बस हमारे पास वो टाइम इंटरवल होते हैं जिसमें हम जो है प्रोसेस करते हैं और यूज़ करते हैं सीपीयू को सिर्फ, जबकि इनपुट आउटपुट बस हमारे पास टाइम इंटरवल होते हैं जिसमें हम प्रोसेस को यूज़ करते हैं और उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास जस्ट यूज़ होती हैं। तो आई होप सीपीयू बस इनपुट आउटपुट बस की तो समझ आ चुकी होगी। और आप ज़रा यहाँ पर ये इस फिगर में देख सकते हैं हमारे पास ये टोटल टाइम इंटरवल है और इसमें हमारे पास लॉन्ग सीपीयू बर्स्ट है ये, और जो कि दरमियान में जो स्पेस है हाली, तो वो हमारे पास वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट। तो आप नीचे वाले में भी देख सकते हो, ऊपर वाले में देख सकते हैं, मतलब एक हमारे पास लॉन्ग सीपीयू बर्स्ट होता है, दूसरा हमारे पास जो है शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट है। तो आप ज़रा शॉर्ट में जो हमारे पास जो ब्लॉक ब्लॉक्स हैं शॉर्ट में जो ब्लू कलर के हैं, ये हमारे पास शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट है, और इसमें जो हॉली स्पेस जो लाइन है ये हमारे पास वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट है। आप ऊपर लॉन्ग सीपीयू बर्स्ट में भी देख सकते हैं जो बड़े बड़े स्लाइस होते हैं, ये हमारे पास वो लॉन्ग सीपीयू बर्स्ट का वो टाइम इंटरवल है, और जो दरमियान में आपको जो हॉली स्पेस नज़र आ रहा है ये हमारे पास वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट बर्स्ट है। अच्छा, तो जब आपको सीपीयू बस इनपुट आउटपुट बस की समझ आ चुकी है तो इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं कि सीपीयू बाउंड होता है, सीपीयू बाउंड जॉब होता है, सही है। और एक हमारे पास जो है वो है कि लॉन्ग सीपीयू बर्स्ट है एंड दूसरा हमारे पास शॉर्ट इनपुट आउटपुट बर्स्ट है, जैसे पिछले डायग्राम में आप लोगों ने इसको देख भी लिया, सही है। और इसमें इनपुट आउटपुट बर्स क्या होते हैं, लॉन्ग इनपुट आउटपुट बर्स या शॉर्ट सीपीयू इनपुट आउटपुट बर्स। तो फर्स्ट आप लोग सीपीयू बाउंड जॉब में जो कि इनपुट आउटपुट या सीपीयू बाउंड है इसको अंडरस्टैंड कर ले कि हमारे पास क्या मतलब होता है सीपीयू बाउंड का या इनपुट बाउंड का। तो सीपीयू बाउंड का मतलब ये होता है कि दैट जॉब नीड मोर कंपटीशन एंड सीपीयू टाइम टू फिनिश, समझ आ रही है कि जिसमें सीपीयू बाउंड हमारे पास बस यही होते हैं ना कि हम एक जॉब को कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए कंप्यूटेशंस के लिए कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास सीपीयू का जो टाइम होगा वो ज़्यादा दरकार होगा कि हम उसको कंप्लीट करें उसको ख़त्म कर लें। जबकि इनपुट आउटपुट बाउंड का मतलब यहाँ ये होते हैं कि एक जॉब जो है जब हम उसको जो है करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पर हमें ज़रूरत है मोर इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग के, कि हम पाइल और डिफरेंस और चीज़ें जो है ना यूज़र से लेते हैं। तो हमारे पास इनपुट आउटपुट बाउंड का यही मतलब होता है कि ज़्यादातर पाइल जो है हम यूज़र से लेंगे जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर ये भी है कि ये जो है ना हम स्पेंड करते हैं मोर टाइम एंड इन आउटपुट इनपुट एंड आउटपुट वेट पर के वेट स्टेट पर हो, और फिर इसके बाद हम इसको एक्टिव में यूज़ करेंगे सीपीयू का। तो ये तो हमारे पास है सीपीयू बाउंड एंड इनपुट बाउंड। अब हमारे पास है कि लॉन्ग सीपीयू बर्स है या शॉर्ट सीपीयू बर्स है, तो उसी तरह बात है ना कि हम जब लॉन्ग टाइम के लिए इस तरह सीपीयू का टाइम लेते हैं, और मतलब उस लॉन्ग टाइम में हमारे पास एक जो है वो कंप्लीट करता है, या हमारे पास इनपुट आउटपुट के लिए शॉर्ट मतलब जब हम जल्दी जल्दी एक काम को करते हैं, तो यही हमारे पास लॉन्ग सीपीयू एंड शॉर्ट इनपुट आउटपुट बर्स्ट होते हैं। बेसिकली इनपुट आउटपुट या सीपीयू बर्स्ट बेसिकली उसका एक टाइम होता है, सही है। तो अब यहाँ पर हमारे पास इनपुट आउटपुट बॉम जॉब बॉन्ड जॉब का तो मैंने भी आपको कह दिया ना कि मतलब हम उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास इनपुट आउटपुट के ज़्यादा से ज़्यादा हैंडलिंग पाइल और ये सारी चीज़ें यूज़र से दरकार होंगी, यूज़र उसको प्रोवाइड करेगा इस काम को कंप्लीट करेगा। और लॉन्ग इनपुट आउटपुट बर्स्ट भी यही है कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए,
और शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट हमारे पास, जब हम सीपीयू का टाइम जो है ना शॉर्ट टाइम के लिए उसमें हम एग्जीक्यूशन और ये काम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ज़्यादातर एराइज होता है कि एन इनपुट आउटपुट बॉन्ड प्रोग्राम वुड टाइपिकली हैव व्हाट काइंड ऑफ सीपीयू बर्स्ट। समझ जा रही है कि हम जब एक इनपुट आउटपुट बॉन्ड प्रोग्राम को मतलब वो परफॉर्म करते हैं तो फिर उसके लिए हमारे पास कौन सा काइंड ऑफ सीपीयू बर्स्ट दरकार होता है। मीन जैसा आप लोगों ने भी कह दिया कि शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट या लॉन्ग सीपीयू बर्स्ट, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट दरकार होता है कि अगर हम जो है ना इनपुट आउटपुट बॉन्ड को टाइपिकली परफॉर्म करते हैं। अच्छा तो ये तो हमारे पास ताचन यही कि मतलब सीपीयू बाउंड क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट बाउंड क्या होते हैं, फिर हमारे पास इसमें सीपीयू शॉर्ट बाउंड होता है या हमारे पास इसमें लॉन्ग बाउंड होता है। अच्छा इसके बाद हम आएंगे कुछ स्केजलिंग एल्गोरिथम्स पर। आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी स्केजलिंग एल्गोरिथम्स को पढ़ भी ली होंगी। स्केजलिंग एल्गोरिथम होता क्या है, किस तरह काम करता है। तो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केजिंग एल्गोरिथम्स होती हैं जो जिसमें हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, एक हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट है, एक हमारे पास प्रायोरिटी स्केजिंग है और एक हमारे पास राउंड रोबन है। अच्छा इसमें हर स्केजिंग एल्गोरिथम जो है ना अपना और उसका हर एक अपना क्राइटेरिया होता है कि जिसको वो चूज़ करता है और इस तरह नेक्स्ट नेक्स्ट जॉब को वो मतलब रन करता है सीपीयू में और एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो सीपीयू स्केजुलर होते हैं उसको ज़रूरत होती है कि वो तेज़ मतलब पास जो है ना वो सारा एग्जीक्यूशन करेगा। एक्चुअल एल्गोरिथम जो है ना टाइपिकली नॉट ज़्यादातर मतलब वो इतना कम्प्लेक्स नहीं होगा। तो फिर इसमें हमारे पास जब हम कोई भी स्केजिंग एल्गोरिथम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें दो चीज़ें यूज़ करेंगे, एक तो हमारे पास टाइमलाइन यूज़ कर होता है, दूसरा हमारे पास उसमें जेंट चार्ट यूज़ होता है जिसके लिए जिसके थ्रू हम ये सारा काम करेंगे। तो टाइमलाइन बेसिकली हमारे पास जो है क्या होता है कि स्केजिंग जो है हमारे पास बेस होता है इंफॉर्मेशन पर जो हम अवेलेबल करते हैं एक टाइम के लिए। तो इसमें हमारे पास कहते हैं हमें ज़रूरत होती है एक तरीके के हम रिप्रेजेंट कर ले स्टेट ऑफ द सिस्टम और मतलब कौन सा प्रोसेस जो है ना इसमें हम किस तरह चेंज होता है एक टाइम के अंदर। और जैन चार्ट की भी हम उसकी यूज़ करेंगे इस मकसद के लिए कि जैन चार्ट जो है ना बेसिकली हम जो है क्या करते हैं ग्लोरीफाई करते हैं टाइमलाइंस को और यूज़ करते हैं पेस डिपेक्ट द आर्डर ऑफ द प्रोसेस जो हम एग्जीक्यूशन करते हैं ग्राफिकली। तो यहाँ पर हमारे पास जिस तरह जैन चार्ट होता है सही है, आपके पास नीचे जो येलो कलर में नज़र आ भी रहा है जिसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस जो हो रहा उसका नाम क्या है, उसका स्टार्ट टाइम क्या है, उसका सेकेंड प्रोसेस जो कंटिन्यू हो रहा है वो कौन सा है और इसका जो है फर्स्ट प्रोसेस है और मतलब उसका फर्स्ट प्रोसेस का एंड होगा और इस सेकेंड का जो है ना वो स्टार्ट होगा। इस तरह हमारे पास मोर इस तरह डिफरेंस प्रोसेस होंगे और इस तरह हमारे पास उसका टाइम इंटरवल होगा कि कौन सा स्टार्ट होता है एंड कौन सा एंड होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजिंग एल्गोरिथम है, ये बहुत ही सिंपल सीपीयू स्केजिंग एल्गोरिथम होते हैं। इसमें जो है एक प्रोसेस जो है ना एंट्रीज होता है कि जो मतलब जो एंट्री होता है वो मतलब पहले ही गेट होता है मतलब वो पहले ही काम करता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम हमारे पास बहुत ही इजी है कि हम उसको अंडरस्टैंड कर लें और ये हमारे पास जिस तरह आप लोग इसको देखते हो ज़्यादातर बैंक में शॉप में जहाँ पर सारे लोग जो है ना जो पहले आता है बस उसको पहले ही मतलब पैसे जो है ना अकाउंट में जमा करते हैं या बिल जमा करते हैं वो करते हैं इस तरह जाते हैं मतलब सब लाइन में होते हैं ना। इस तरह शॉप में भी जो पहले आता है उसको चीज मतलब शॉपिंग मिल जाती है और फिर इसके बाद मतलब बाकी की बारी होती है।
और इसके हमारे पास कुछ ड्रॉबैक भी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम का, कि जिसमें प्रोसेस जो है ना वेट करता है एक्सेसिवली लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। सही है, मतलब जितने ज़्यादा प्रोसेस होंगे तो उसमें फिर आपको वाजह नज़र आता है कि मीन वो ज़्यादा मतलब वेट करेगा, जो लेट आता है तो फिर तो वो लेट ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये सिंपल आप एग्ज़ाम्पल लेंगे और इस एग्ज़ाम्पल को हम जेंट चार्ट के थ्रू भी आपके साथ शो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास थ्री प्रोसेसेस हैं और जो सीपीयू हैं, जो वो हमारे पास जो है ना हर प्रोसेस जैसा प्रोसेस वन है उसके लिए जो बस टाइम है सीपीयू का जो टाइम है वो 24 है। इस तरह प्रोसेस टू के लिए भी है वो 3 बर्स्ट टाइम है, और इस तरह जो प्रोसेस टू है उसका भी 3 बर्स्ट टाइम मीन सीपीयू टाइम है। यहाँ पर हम सपोज करेंगे कर ये प्रोसेस जो है ना अरे होता है एन ऑर्डर, इस तरह P1 P2 एंड P3 मीन प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3 में। तो जो जॉइंट चार्ट के थ्रू हम इस स्केड्यूल को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, आप लोगों ने पढ़ लिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा और इस तरह फिनिश होगा और मतलब एंड होगा। तो यहाँ पर आप प्रोसेस वन को देख लें, वो पहले मतलब एंटर हुआ और उसका जो सीपीयू टाइम है बर्स्ट टाइम है वो हमारे पास 24 है। तो आप देख सकते हैं जॉइंट चार्ट में प्रोसेस वन 0 to 24, समझ आ रही है ना, मतलब जैसे आया उसने अपना टाइम पूरा कर लिया और बस चला गया। इसके बाद प्रोसेस टू आया, उसका बर्स्ट टाइम जो है ना 3 है और वो उसने भी मतलब इसके बाद ही प्रोसेस कर लिया और ये जो है ना 26 पर इसका एंड हो गया। इसके बाद जो है सेकंड प्रोसेस आता है, मतलब एक और प्रोसेस 3 आता है। तो ये यहाँ पर मिसिंग है प्रोसेस 2 लिखा है लेकिन ये बेसिकली प्रोसेस 3 है और उसने भी अपना टाइम पूरा किया। और मीन ये टोटल हमारे पास जो प्रोसेसिंग हो गई, ये हमारे पास टोटल कितना टाइम इसने ले लिया बस टाइम वो 30। तो ये सीपीयू की मतलब 30 ये ले लिया। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिकली हमारे पास बहुत ही सिंपल है, जो पहले आता है पहले पाता है और जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है एक दूसरा है प्रेमशन जो है, और प्रेमशन में हमारे पास नॉन प्रेम जो मतलब शॉर्टेज जॉब फर्स्ट वाला एल्गोरिथम है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट भी बहुत ही सिंपल है। इसमें ये होता है बेसिकली कि जो जॉब आते हैं तो ये डिफरेंस प्रोसेस होती हैं और इसमें फिर देखा जाता है कि जो कौन सा शॉर्ट जॉब हो तो उसको फर्स्ट लिया जाता है, एग्जीक्यूट होता है, फिर इसके बाद जो दूसरा इसका शॉर्ट होता है। तो इस तरह ये सारा प्रोसेस होता है। सही है, अब इसमें हमारे पास शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में दो चीज़ें आती है, एक हमारे पास प्रेम टू शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है, दूसरा हमारे पास नॉन प्रेम टू शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है। सही है, आप देख सकते हैं हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं और जो इसका अरेवल टाइम्स हैं वो भी दिया गया है और बॉस टाइम है वो भी दिया गया है। अब अगर हम जस्ट शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि जिसका जो है बॉस टाइम बहुत ही कम है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और इसके बाद इस तरह आप देख लें कि प्रोसेस 1 जो है उसका 7 है, प्रोसेस 2 का 4 है, प्रोसेस 1 का 1 है एंड प्रोसेस 3 का 1 है एंड प्रोसेस 4 का 4 है। तो अब इसमें शॉर्टेज जॉब जो है वो कौन सा है, वो हमारे पास प्रोसेस 3 वाला है। तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम ये करेंगे कि जो ये वाला शॉर्टेज जॉब है इसको हम फर्स्ट एग्जीक्यूट करेंगे और फिर इसके बाद इस तरह और चलेंगे। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे प्रेम ट्यू के एंड नॉन प्रेम ट्यू को, जिस तरह प्रेम ट्यू में एंड नॉन प्रेम ट्यू में आपको पता है सीपीयू किसी को स्पेसिफिक टाइम एंड मतलब वो देता है और किसी के लिए मतलब स्पेसिफिक टाइम में मतलब वो सारा कुछ करते हैं, कोई जो है ना मतलब वो उस तक अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर जब तक के वो ख़त्म नहीं होता।
तो नॉन प्रिम्पशन में बेसिकली क्या होता है कि वन द सीपीयू हम देते हैं एक प्रोसेस को, तो इसको हम फिर प्रिम्प्टेड नहीं कर सकते जब तक कि ये करंट सीपीयू बस फिनिश नहीं होता। सही है, उस मतलब वो कंप्लीट करेगा तब इसके बाद हम दूसरा एग्जीक्यूशन करेंगे। जबकि प्रिम्प्टिव में क्या है कि अगर न्यू प्रोसेस हमारे पास आ जाता है शॉर्ट इस सीपीयू बस के साथ, तो फिर हम क्या करेंगे, हम बस मतलब उस सीपीयू को उस टाइम पर जो है ना स्टॉप करेंगे, स्विच करेंगे, और जो रिमाइनिंग होगा सीपीयू का बस टाइम, तो उसको हम फिर मतलब जो आया है न्यू शॉर्टेज, या फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और फिर हम उसको रिप्लेस करेंगे, मतलब एग्जीक्यूशन प्रोसेस। तो इस किस्म के मतलब शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम पस्ट, इसको हम ये भी कह सकते हैं। समझ आ रही है, बात ये है कि हमारे पास एक प्रोसेस जो है ना, एक तो ऑलरेडी प्रोसेस हो रहा है, इसके बाद एक दूसरा प्रोसेस आ जाते हैं न्यू, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट हैं, तो उस टाइम सीपीयू जो है इसका वेट नहीं करेगा कि मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, ऑटोमेटिकली उसको मतलब वहाँ पर स्टॉप करेगा और जो न्यू आया है शॉर्ट जॉब उसको सीपीयू असाइन करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। जब ये कंप्लीट हो जाए तब इसके बाद वो जो रिमेनिंग है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इस किस्म के सिचुएशंस को हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम पर्स्ट भी कह सकते हैं। और शॉर्टेज जॉब पर्स्ट कैजिंग हमारे पास एक मिनिमम एवरेज वेटिंग भी टाइम भी देता है कि एक गिवन सेट ऑफ द प्रोसेस हम इसमें वो प्रोसेस कर लें। तो बेसिकली शॉर्टेज जॉब पर्स्ट स्केजलिंग हमारे पास एक दूसरा सिंपल स्केजलिंग और जॉब होते हैं जिसमें हम एक जॉब को पिक करते हैं और वो जो लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम होता है मतलब हम उसमें मतलब जो कंप्लीट करता है वो पूरा प्रोसेस को। तो पर्स कम पर्स सर्विस स्केजिंग एल्गोरिथम में एवरेज वेटिंग टाइम जो है ना हम कुड भी रिड्यूस करते हैं द रनिंग शॉर्टेज जॉब पर्स पर। और शॉर्टेज जॉब पर्स एल्गोरिथम जो है ना हम पिक करेंगे शॉर्टेज जॉब मतलब उससे उठाएंगे और जो उसका बस साइज होगा, और फिर उसके मतलब उस पर हम इसके बुनियाद पर हम उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर ये तो हमारे पास जस्ट आपको थोड़ा सा ज़रा इसके रिलेटेड बातें थी ना। अब हम ज़रा नॉन प्रेम टू शॉर्टेज जॉब पर्स को लेंगे, तो उसको समझाने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल को करूँगी, एग्जाम्पल को आप करेंगे तो तभी आपको ये चीज़ जो है ना समझ आएगी, अदरवाइज इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंस प्रोसेसेस है, पोर अरेवल टाइम है एंड बर्स टाइम है। और शॉर्टेज जॉब पर्स नॉन प्रेम टू वेरिड अरेवल टाइम्स के मुताबिक हम करेंगे। तो अगर हम नॉन प्रेम टू की बात करेंगे तो इसमें देखने के जिस तरह हमारे पास प्रोसेस वन है उसका अरेवल टाइम 0 है और वो पास्ट आ जाता है और सीपीयू उसको असाइन होती है और वो प्रोसेस करता है। सेम, अच्छा, जब वो प्रोसेस करता है तो नॉन प्रिम्प्टिव में मैंने आपको बात कही कि इसमें मतलब जो पास्ट बस आता है मतलब शॉर्ट ना भी हो लॉन्ग हो, लेकिन बस पास्ट वो आए हैं तो वो उसका हक है कि मीन वो एग्जीक्यूट होगा। सही है, तो ये पास्ट आप देख लें कि जो पास्ट प्रोसेस है उसका बॉस टाइम जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस वो प्रोसेस पास्ट आया है और उस टाइम उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया है। सही है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया है, उसके बाद और प्री प्रोसेस आ जाती है जैसा आप प्रोसेस टू आ जाते हैं पोर। सही है, लेकिन वो ऑलरेडी बिजी है तो वो वेट करेगा। फिर प्रोसेस थ्री आता है वो बहुत ही शॉर्ट है तो वो भी वेट करेगा, और इस तरह प्रोसेस पोर भी आ जाता है। सही, और वो देखता है तो सीपीयू ऑलरेडी प्रोसेस वन ने मतलब वो किया है उसमें बिजी है तो वो जो है ना वो भी वेट करेगा। सही है, तो क्या करेगा, हम नॉन प्रिम्प्टिव शॉर्टेज जॉब पर्स की बात करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो जॉब पर्स स्टार्ट हैं वो टर्मिनेट नहीं होगा बल्कि अपना टाइम इंटरवल जो है ना वो पूरा करेगा। सही है, हम उसको और प्रोसेस नहीं असाइन करेंगे जब तक कि ये इस 7 को पूरा नहीं करते। तो आप देख लें क्या करता है, 0 से 7 तक ये प्रोसेस 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है। सही है, जैसे ही 7 तक
प्रोसेस वन चला जाता है और कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद प्रोसेस टू की बारी आती है, सही है। लेकिन आप देख सकते हैं हम शॉर्टेज जॉब पर्स की बात करेंगे तो इसमें फिर आप देख सकते हैं कि प्रोसेस थ्री की जो है वो बहुत ही शॉर्ट जॉब है। तो क्या है कि हम प्रोसेस टू को नहीं करेंगे बल्कि प्रोसेस थ्री पर आएंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख रहे प्रोसेस थ्री को हमने एग्जीक्यूट कर दिया और वो हमारे पास जो नीचे आप इस जेन चार्ट में लाइन टाइम जो लाइन है इसमें आप देख सकते हैं जो पर्स हमने कर लिया अरेवल टाइम उसका जीरो था ना और कंप्लीट टाइम उसका सेवन हो गया तो सेवन तक है। फिर इसके बाद सेवन तक हो गया फिर प्रोसेस थ्री की बारी है और प्रोसेस थ्री में एक ही प्रोसेस है तो वो इसको एग्जीक्यूट करता है और वो एट हो जाता है। सही है, सेवन के साथ अपन एट कर ले तो वो एट बन जाता है ना। अच्छा, जब प्रोसेस थ्री कंप्लीट हो जाता है उसका एक प्रोसेस था और वो तो आसानी के साथ कंप्लीट होगा। तो इसके बाद शॉर्टेज जॉब पर्स की हम वो बात करेंगे तो वो हमारे पास फिर प्रोसेस टू है तो प्रोसेस टू पर आ जाता है और प्रोसेस टू वो पूरा कंप्लीट करता है और वो क्या हो जाते हैं ट्वेल्व पर मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर इसके बाद प्रोसेस फोर की बारी आती है और वो अपने चार जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास नॉन परमानेंट शॉर्टेज जॉब फर्स्ट इसी मैकेनिज्म के साथ इसी के थ्रू हम इसको परफॉर्म करेंगे। अब हम एवरेज वेटिंग टाइम्स को निकालेंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम जो है किस तरह निकालेंगे आप लोगों को मैं ऑलरेडी फार्मूला बता भी दिया है। सही है, एवरेज वेटिंग टाइम बेसिकली हमारे पास जो वेटिंग टाइम होता है, सही है, वेटिंग टाइम बेसिकली क्या होता है जिस तरह आप देख रहे हैं कि प्रोसेस वन स्टार्ट हो गया उसने कितना टाइम वेट कर दिया तो मतलब उसने तो कोई भी टाइम वेट नहीं किया ना तो वो तो ज़ीरो था। सही है, तो मीन उसका हमारे पास टाइम जो है ना वो ज़ीरो है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास प्रोसेस थ्री पर पम्प हुआ है ना उसने कितना टाइम वेट कर लिया। सही है, तो आप देख लें यहाँ पर देख लें कि पर्स जो है हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो है और ज़ीरो और स्टार्ट हो गए और सेवन पर कम्प्लीट हो गए तो मीन ज़ीरो माइनस ज़ीरो सही है मीन बॉस टाइम एंड से हम माइनस करेंगे अरेवल टाइम तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम के लिए है। तो यहाँ पर देख रहे कि ज़ीरो से हम ज़ीरो को माइनस करेंगे तो मीन हमारे पास मतलब ज़ीरो ही आता है ना। फिर हम उसको प्लस करेंगे और इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड स्टेप होता है आप देख रहे इस जैन चार्ट में आप ज़रा देख लेना ये हमारे पास क्या है मतलब एट है। प्रोसेस थ्री कंप्लीट हो गया और उसने कितना टाइम वेट कर लिया। सही है, तो ये तो कंप्लीट एट पर हो गया ना। अब इसने कितना टाइम वेट कर लिया। सही है, तो मीन उसको हम इससे माइनस करेंगे मीन एट से माइनस टू करेंगे और फिर प्लस करेंगे और फिर इसके बाद हमारे पास प्रोसेस टू आता है और प्रोसेस टू आप देख सकते हैं कि प्रोसेस टू जो है ना वो हमारे पास मतलब वो तो पोर है प्रोसेस और उस यहाँ पर आप देख ली कहाँ पर कंप्लीट हो गया सेवन तो हम सेवन से माइनस फोर करेंगे और फिर इसके बाद हमारे पास प्रोसेस फोर है जो कि ट्वेल्व पर आ गया और ट्वेल्व से हम जितना टाइम इसने वेट कर लिया इसको हम इससे माइनस करेंगे और ये सारे करने के बाद जिस तरह ज़ीरो प्लस सिक्स प्लस थ्री प्लस सेवन आ जाता है और आपके साथ टोटल प्रोसेसेस कितने हैं फोर है ना हम उस पर इसको डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर आता है फोर। तो ये हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम आप इस तरह इस फार्मूले के थ्रू निकालेंगे। अगर आपको फार्मूला समझ नहीं आता तो पीछे आप लोगों को मैंने समझाया कि एवरेज वेटिंग टाइम हम किस तरह निकालते हैं। इसके बाद हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम है तो इसका फार्मूला भी मैंने आपको समझाया है कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम हम किस तरह निकालते हैं किस तरह वो करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि हमारा पास प्रोसेस जो है ना सेवन पर कंप्लीट हो गया ना ज़ीरो टू सेवन चाहिए और ज़ीरो तो हम सेवन से ज़ीरो को माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे हमारे पास जो सेकेंड मतलब क्या है सेकेंड प्रोसेस जो है वो ट्वेल्व से हम टू को माइनस करेंगे
और इस तरह हम प्लस 8 माइनस 4 और फिर इस तरह हम प्लस 16 माइनस 5, सही है। ओके, आपको समझ नहीं है तो इस जेन चार्ट में ये सारा इंटरवल दिया गया है टाइम से, ये ओके। जब हम इस तरह इससे माइनस करेंगे तो 7 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 11 और चार प्रोसेसेस है उस पर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम क्या आता है, 8 आता है। तो यहाँ पर आपके पास है कि वेटिंग टाइम, हमारे पास क्या है, सम ऑफ टाइम डेट ए प्रोसेस हैज स्पेंट वेटिंग इन द रेडी क्यू, कितना टाइम उसने वेट कर लिया, बेसिकली वेटिंग टाइम हमारे पास ये होते हैं। तो ये तो हमारे पास नॉन पेम्प्टो शॉर्टेज ऑफर्स का एल्गोरिथम था, इसके थ्रू आपके यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका यही प्रोसेस है। ओके, अब नेक्स्ट जाएंगे और नेक्स्ट में हम इसी शॉर्टेज ऑफर्स को और भी डिटेल में एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको आपको समझाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसके बाद हम प्रेम टू शॉर्टेज जॉपर्स को हम प्रेम टू के थ्रू करेंगे और प्रेम टू में आपको पता है कि इसमें जो भी प्रोसेस आता है, अगर ऑलरेडी एक प्रोसेस कंटिन्यू तो वो वहाँ पर स्किप स्टॉप करेगा और जो है इसी को प्रोसेस का मीन, इसमें एक जो है स्पेसिफिक टाइम इंटरवल होगा उसमें सारे प्रोसेस जो है ना एग्जीक्यूट होंगे। तो प्रेम टू शॉर्टेज ऑफर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 4 प्रोसेसेस है, वही वाला क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने अभी कर दिया। अच्छा, तो इसमें क्या है, अच्छा इसमें हमारे पास उसी तरह 4 प्रोसेसेस है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4 और अराइवल टाइम्स हैं, ये भी दिया है, बॉस टाइम भी दिया है। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट प्रैमिटर्स के थ्रू हम इसको करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जो है ना क्या करेंगे के जी पीछे नीचे हमारे पास एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर हम अगेन प्रोसेस है और इस तरह नोट करेंगे जो आप इस प्रोसेस 3 को ज़रा देख लें तो इसका हमारे पास बर्स्ट टाइम जो है ना वो 1 है, क्या है वो हमारे पास 1 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो अराइवल टाइम होता है इस एग्जांपल में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर हमारे पास जो ओनली 1 प्रोसेस होता है अवेलेबल होता है इस टाइम 0 पर, तो मीन प्रोसेस 1 जो है ना इट इज़ बाय डिफॉल्ट द शॉर्टेज जॉब, सही है, ये शॉर्टेज जॉब है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट जो है उसको तो उठाएंगे, लेकिन ये तो शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी जो स्टार्टिंग है वो तो ऑलरेडी एक जॉब है ना, मतलब जो बॉस टाइम जिसका प्रोसेस 1 है, जिसका 7 है और उसका अराइवल टाइम 0 है, तो हम क्या करेंगे उसी को मतलब स्पेसिफिक टाइम देंगे मीन 2। तो आप देख लें प्रोसेस 1 2 जो है सीपीयू मतलब 2 बस टाइम में हो गया और फिर इसके बाद आप देख लें कि दूसरा प्रोसेस आ गया ना, ठीक है, तो इसमें प्रोसेस 2 जो है ना अराइवल हो गया लेकिन प्रोसेस 1 जो है ना ऑलरेडी रनिंग में है, तो यहाँ पर प्रेम्पशंस काम करेगा और क्या करेगा कि इवन टार्ट प्रोसेस 1 हमारे पास ऑलरेडी रनिंग में है ना, तो हम इसको रिमूव करेंगे सीपीयू और हम इसको रिप्लेस करेंगे प्रोसेस 2 को देंगे, क्योंकि इसमें हम स्पेसिफिक टाइम देते हैं ना, तो मतलब वो 2 जो है ना वो तो प्रोसेस 1 कंप्लीट करेगा, मतलब 2 प्रोसेस सीपीयू 2 जितना भी बर्स्ट टाइम है 2 वो उसने कर लिया, तो ये टाइम इंटरवल 2 और उस मतलब इसके बाद ये दूसरा प्रोसेस आ गया तो सीपीयू ऑटोमेटिकली प्रोसेस 2 को असाइन हो गए और आप देख ले उसका बर्स्ट टाइम 4 है, तो उनमें से 2 को वो उसने उठा दिया और 2 को वो प्रोसेस किया, जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो उसके पास बात प्रोसेस 3 की बारी है ना,
तो प्रोसेस 3 में देख ले, एक ही बस हमारे पास सीपीयू और टाइम है, तो उसको मिल गया प्रोसेस 3 को और उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो हमारे पास 5 बन गया। फिर आप देख सकते हैं कि इसके बाद हमारे पास हम जो है प्रोसेस 4 पर जाएंगे, लेकिन इससे पिछले कि हम प्रोसेस 4 प्रोसेस 2 को देख लें तो उसका तो 2 हो चुका है ना, जस्ट 2 यहाँ हमारे पास बहुत टाइम रहता है, तो हम उसी प्रोसेस जो है 4 को करेंगे। तो ये प्रोसेस 4 को हम यहाँ पर जो है परफॉर्म करेंगे, मतलब प्रोसेस 3 के बाद हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस 2 में जो 2 रहते हैं हम उसको परफॉर्म करेंगे और उसके बाद सीपीयू हम ऑटोमेटिकली प्रोसेस 4 को असाइन करेंगे, उसका हमारे पास 4 है ना, तो वो इस 4 को वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही ये एग्जीक्यूट करेगा तो आपका जो सीपीयू है वो ऑटोमेटिकली 1 प्रोसेस पर जाएगा, क्योंकि बाकी तो सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए, अब से प्रोसेस 1 रहता है, उसमें 2 जस्ट हो चुके हैं और इसके जितने भी रिमाइनिंग है अब वो हो गए, तो मीन वो हमारे पास कितने टाइम में हो गया, 16 में हो गया। चलिए ओके, तो एवरेज वेटिंग टाइम हम यहाँ पर निकालेंगे, तो आप देख लें कि हर प्रोसेस ने कितना कितना वेट कर लिया, तो उसको हम जो है ना उसका एवरेज वेटिंग टाइम लेंगे। जिस तरह हमारे पास पास जो है ना जो एक प्रोसेस था जो कंप्लीट हो गया, जिस तरह आप देख लें प्रोसेस 1 फर्स्ट 2 में हो गया और लास्ट 11 से 16, तो आप ज़रा इसको काउंट कर लें, 11 से 16 तक हमारे पास क्या बोले 6, तो मीन को इस तरह 9 जो है इसने वेट कर लिया। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस जिस तरह आप देख सकते हैं प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 2 है, उसने मतलब एक में वेट कर दिया, तो वो हमने लिख लिया। और फिर प्रोसेस 3 है जिसने कोई भी वेट नहीं किया, और इसके बाद हमारे पास जो है एक दूसरा वो 4 वाला वो प्रोसेस है, उसने कितना वेट कर दिया। अच्छा, इस सारे को हम ऐड करेंगे और जितने प्रोसेस हैं लाइक 4 प्रोसेस है ना उस पर डिवाइड करेंगे, और वो हमारे पास जो है क्या होगा, एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास शॉर्टेज जॉब फर्स्ट प्रेम टू टर्म जो हम इसको इस तरह कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे, और नेक्स्ट जो है ना हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। सही है, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग होता क्या है, किस तरह काम करता है, तो क्या है कि हमारे पास जिस तरह अनदर वे होता है स्केड्यूल जॉब के लिए कि हम पिक करते हैं जॉब को हाईएस्ट प्रायोरिटी में, तो इसमें हमें रिक्वायर होती है कि हर प्रोसेस जो है ना प्रायोरिटी एसोसिएटेड होगी हर एक के साथ, और उसी प्रायोरिटी बेस पर जो है हम जॉब को उठाएंगे और इसको इस तरह प्रोसेस करेंगे। तो जो प्रायोरिटी हम जनरेट करते हैं इन इंटीजर्स में, तो हमारे पास एक कुछ विल डिफाइंड रेंज होता है, जिस तरह 1 to 10 हम करते हैं या 1 to 20 करते हैं, क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो सीपीयू हम उसको एलोकेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एक जॉब होता है जो स्मॉलर नंबर होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास हाई प्रायोरिटी वाली होगी। अनदर सिस्टम में हमारे पास लार्जर नंबर का मतलब ये होगा कि वो हाई प्रायोरिटी होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने दो चीज़ों को याद रखना होगा, एक ये है कि जिस तरह हमारे पास अभी जो डिफरेंस प्रोसेस हैं, तो इसमें जिस तरह अभी आप देख लें हमारे पास ये बर्स्ट टाइम को आप देख लेना, अभी प्रोसेस 3 है, इसकी 1 दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हाई प्रायोरिटी हम इसको देंगे। फिर इसके बाद प्रोसेस 2 की आएगी बारी, फिर इसके बाद प्रोसेस 4 की आएगी, और लास्ट में प्रोसेस जो 1 है मीन वो 7 बर्स टाइम है ना, तो उसकी आएंगी। तो बाद सिस्टम में हम इस तरह प्रायोरिटी बेस करते हैं, सही है कि जो लोअर स्मॉलेस्ट होते हैं हम उसको फर्स्ट
जो है एग्जीक्यूट करते हैं, और जो बड़े बर्स्ट टाइम होते हैं उसको हम ब्लास्ट में करते हैं। कुछ सिस्टम इस तरह होते हैं कि जिस तरह अभी इसमें जो 7 है, सही है, प्रोसेस 1 को देख ले तो मीन ये ज़्यादा है ना, तो इसको हम फर्स्ट प्रियोरिटी देंगे, इसको फर्स्ट एग्जीक्यूट करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास प्रोसेस 2 आएगा, फिर प्रोसेस 4 आएगा, और लास्ट में हमारे पास प्रोसेस 1-3 जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह बातें जो है ना इस तरह प्रियोरिटी स्केजलिंग में आती है। तो प्रियोरिटी स्केजलिंग हम एदर कैन एदर बी नॉन फ्रेम 2 और फ्रेम 2, सही है। और अगर आपका यहाँ पर प्रेमशन जो है ना देन ए हाई प्रियोरिटी जॉब देन, तो फिर क्या करेगी, रिमूव करेगी आप लो प्रियोरिटी जॉब को फ्रॉम CPU को, और इस तरह आप जो है ना ये काम को कंटिन्यू करोगे। तो अभी जो है समझ आ चुका होगा कि हमारे पास प्रियोरिटी स्केजिंग जो है ना बेसिकली 2 मोड में होती है। एक हमारे पास नॉन प्रेमटिव मोड होता है और दूसरा हमारे पास प्रेमटिव मोड होता है। अब प्रीएम्प्टिव मोड क्या होते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव मोड क्या होता है, आपको अभी एक एग्जांपल के थ्रू इसको मैं समझाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे कि हमारे पास प्रियोरिटी स्केजिंग है, नॉन प्रीएम्प्टिव है, देख ले हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं, CPU बर्स्ट टाइम है, आप देख सकते हैं प्रोसेस 1 के लिए 6, प्रोसेस 2 के लिए 12, प्रोसेस 3 के लिए 1, प्रोसेस 4 के लिए हमारे पास जो है 3 CPU बर्स्ट टाइम है, और इस तरह प्रोसेस 5 के लिए 4 है। और प्रियोरिटी जो यहाँ पर दी गई है, तो प्रियोरिटी को आप ज़रा देख लें कि इसमें हमारे पास क्या है, प्रोसेस 1 को 2 दी है, प्रोसेस 2 को 4 दी है, प्रोसेस 3 को 5 दी है, प्रोसेस 4 को 1 दी है, एंड प्रोसेस 4-5 को 3 प्रियोरिटी दी है। और जेन चार्ट के थ्रू भी मतलब इसी प्रियोरिटी के बेस पर प्रोसेस किया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक बात देख लें, नॉन प्रिमिटिव है और प्रियोरिटी के बेस पर आप देख लें, इसमें वही तरीका यूज़ किया है कि इसमें जो शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ प्रियोरिटी होती है उसको फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर इसके बाद आप देख लें प्रोसेस 4 है उसकी प्रियोरिटी 1 है। तो याद में देख लें कि हमारे पास प्रोसेस 4 को फर्स्ट एग्जीक्यूट की गई है, सही है, और 0-3 मीन उसका वो है ना, तो वो एग्जीक्यूट हुआ है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो वो उसको फिर इसके बाद जो प्रियोरिटी वाला है आप देख ले प्रोसेस 1 उसकी प्रियोरिटी 2 है, तो मीन इसको उठाया है और इस प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट किया है, और इसका टाइम जो है ना हमारे पास कितना है, 3-9। फिर इसके कंप्लीट के बाद, सही है, कंप्लीट के बाद क्या है कि हमारे पास जो प्रोसेस 5 को ज़रा देख लें, इसकी प्रियोरिटी हमारे पास 3 है, तो उसको उठाया गया है एंड उसको एग्जीक्यूट किया गया है। और जो प्रोसेस 5 है इसके बाद प्रियोरिटी प्रोसेस 2 को दी गई है, मीन उसकी प्रियोरिटी 4 है। फोर मतलब प्रियोरिटी 4 वाले को, जिसके पास CPU बर्स्ट टाइम जो है ना 12 है, वो उसको पूरा एग्जीक्यूट किया गया है। और जैसे ही CPU का जो लोकेशन टाइम है 12 ये कंप्लीट होता है, तो इसके बाद जो प्रियोरिटी आती है वो है प्रोसेस 3 की, तो उसको वो एग्जीक्यूट करता है। और आप देख ले ये सारे प्रोसेस हम नॉन प्रीएम्प्टिव प्रियोरिटी स्केजलिंग में इसी तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आपको समझ अभी यहाँ पर नहीं आता तो फिर आप जो है ना कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जो है ना ज़रा नॉन प्रीएम्प्टिव पर आएंगे। अच्छा, ये जो है ना आपके सामने जो नज़र आई है असल में हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव है, सही है। नॉन प्रीएम्प्टिव में
अच्छा अभी हमने जो बात कर ली वो हमारे पास नॉन प्रिम्प्टिव थी, सही है। अभी जो हम ये बात करें या प्रिम्प्टिव प्रायोरिटी स्केजलिंग की, प्रिम्प्टिव प्रायोरिटी स्केजलिंग में बेसिकली यही होता है कि इसमें भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस है। आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास 7 प्रोसेस हैं, और जो अरेवल टाइम है, सही है, जो AT इसका मतलब है ये इसका अरेवल टाइम है, CBT का मतलब है CPU बस टाइम है, और प्रायोरिटी टाइम तो आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास प्रायोरिटी जो है ना, हम ये करेंगे कि जिसमें लॉन्ग मतलब बड़ी जो प्रायोरिटी वाले होंगे उसको हम एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी लेंगे, सही है। जबकि इसे पहले नॉन प्रिम्प्टिव में हमारे पास क्या था कि शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ प्रायोरिटी वाले को हम फर्स्ट वो प्रायोरिटी देते थे, जबकि प्रिम्प्टिव प्रायोरिटी स्केजिंग में हमारे पास जो हाई प्रायोरिटी वाले होंगे हम उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा यहाँ पर देख ले ज़रा प्रोसेस हुआ प्रायोरिटी, अब ज़रा सबके देख लें। प्रोसेस 1 की हमारे पास प्रायोरिटी 6 है, अरेवल टाइम 0 और CPU बस टाइम हमारे पास 4 है। हम प्रायोरिटी की बात करेंगे तो जस्ट प्रायोरिटी को ज़रा चेक कर लें, हर प्रोसेस की ज़रा चेक करें। हमारे पास प्रोसेस 1 की 6 प्रायोरिटी है, प्रोसेस 2 की 5 है, प्रोसेस 3 की 4 है, और प्रोसेस 4 की 1 है, प्रोसेस 5 की 3 है, प्रोसेस 6 की 0 है, एंड प्रोसेस 7 की हमारे पास 2 है, सही है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे पास 6 है, तो मीन हम प्रोसेस 1 को फर्स्ट एग्जीक्यूट करेंगे। हमने इसकी फर्स्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी, सही है। जैसे ही हमने इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर ली, इसके बाद हमारे पास सेकेंड प्रोसेस आ गया। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रोसेस हमने वो आधा कर लिया, जैसे ही 2 आ जाता है तो उसकी प्रायोरिटी फिर हमारे पास 5 है, तो हम उसको क्या करते हैं, मीन उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और फर्स्ट वाले को हम स्किप करेंगे, मीन स्टॉप करेंगे। तो देख सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम दिया है, उसमें हमारे पास प्रोसेस 2 जो है ना वो 5 वाले, उसकी प्रायोरिटी 5 है ना, तो वो क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। अच्छा और जैसे ही वो एग्जीक्यूट करता है, इसके बाद हमारे पास से थर्ड जो है जॉब प्रोसेस आता है, और उसकी प्रायोरिटी 4 है, तो हम वो उस प्रोसेस 2 को स्किप करते हैं, स्टॉप करते हैं, और इस 3 को हम स्टार्ट करते हैं। 3 को हम स्टार्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उसने एक पार्ट जो है ना उसका एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन इसके साथ ही प्रोसेस 4 आ गया। तो प्रोसेस 4 जैसे ही आता है तो हम उसी को उठाएंगे और उसी को हम प्रोसेस करेंगे, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन के दौरान ही मतलब इसमें क्या है कि उसके एग्जीक्यूशन हो रहा था कि मतलब प्रोसेस 6 आ गया। पाइप उस टाइम में उसने वेट कर रहा है, लेकिन उसके बाद एक दूसरा प्रोसेस आता है जो कि पाइप प्रोसेस 5 से भी कम है, आई मीन 0 उसकी प्रायोरिटी है, तो उसको क्या, पाइप को हम फिलहाल जो है ना वेट पर लगाएंगे और प्रोसेस 6 को हम एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही प्रोसेस 6 एग्जीक्यूट होता है तो उसके बैक पर हमारे पास प्रोसेस 4 जो है ना वो आता है और वो एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही वो एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद हमारे पास जो है प्रोसेस 7 आता है और वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, वो अपना काम पूरा करता है। तो जैसे वो अपना काम पूरा करता है, इसके बैक पर उससे भी कम जो प्रायोरिटी वाला है, 3 प्रायोरिटी है,
वो हम इसको प्रोसेस पाइप को एग्जीक्यूट करते हैं। और जैसे ही प्रोसेस पाइप हमारे पास एग्जीक्यूट होता है तो उससे कम प्रायोरिटी वाले हमारे पास प्रोसेस 3 हैं, तो वो उसको उठाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। और वो जैसे एग्जीक्यूट होता है, कंप्लीट होता है, उससे कम हमारे पास प्रोसेस 2 है, जिसमें एक हमारे पास जो है ना हो चुका था, थोड़ा सा हिस्सा प्रोसेस हो चुका था, लेकिन बाकी जो रिमाइनिंग था वो तो रह गया था। तो हम क्या करेंगे, उस तरह प्रोसेस 2 को उठाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और जैसे ही वो एग्जीक्यूट होता है तो उसके ख़त्म करने के बाद जो हमारे पास प्रोसेस 6 था, वो जो है हमने एक पार्ट किया था, बाकी रिमेनिंग रह गया था, हम उसको पूरा ही एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये इस टाइप में हम प्रेम्प्टिव प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग करते हैं। और अब आप एवरेज वेटिंग टाइम किस तरह निकालेंगे, सही है, प्रोसेस 1 का किस तरह निकालोगे और प्रोसेस 2 का, प्रोसेस 3 का, तो ये सब निकालने के बाद फिर आप लोग जो है ना इसका मतलब जो एवरेज होगा उसको भी इस तरह कैलकुलेट करोगे। तो पस ज़रा देख ले प्रोसेस 1 को, और उस प्रोसेस 1 आप देख ले आधा हिस्सा हमारे पास यहाँ पर 1 तक हो गया, और एक जो है ना हमारे पास 25 तक वो मतलब हो गया। तो मीन हम क्या है कि हमारे पास टोटल वो उसका कितना वो टाइम उसने हमारे पास ले लिया प्रोसेस 1 ने, मीन टोटल हमारे पास यहाँ पर देख लेना प्रोसेस 1 हमारे पास यहाँ पर 22 तक मतलब है ना, तो 22 तक से हम फर्स्ट एक यहाँ पर एक हमारे पास हो गया, और यहाँ पर वहाँ से 22 पर प्रोसेस 1 एक स्टार्ट हो गया। तो हम उस 22 से 1 को माइनस करेंगे तो 21 हमारे पास वेटिंग टाइम प्रोसेस 1 का हो गया। अब प्रोसेस 2 को ज़रा देख लें, प्रोसेस 2 भी हमारे पास आधा यहाँ प्रोसेस होगा और आधा जो है ना लास्ट में प्रोसेस होगा। तो अब ज़रा आप देख रहे यहाँ पर के हमने 20 प्रोसेस 2 जो है ना वो 21 पर कर लिया ना, सही है, और यह एंड किया था तो वो भी हमारे पास 2 पर किया था। तो हम इस 21 से 2 को माइनस करेंगे तो 19 इसका वेटिंग टाइम हो गया। इसके बाद प्रोसेस 3 है, और प्रोसेस 3 भी हमारे पास एक पार्ट यहाँ पर हो गया, उसका एंड जो है 3 था और एक जो है ना हमारे पास 19 में वो स्टार्ट हो गया ना, तो हम इसमें जो इन 19 से माइनस 3 करेंगे तो 16 इसका प्रोसेस 3 का वेटिंग टाइम है। प्रोसेस को 4 को ज़रा देख लें, प्रोसेस 4 जो है ना हमारे पास जो है 2 प्रोसेस यहाँ पर हो गए, सही है, और एक जो है हमारे पास क्या है 2 जो है हमारे पास बाद में हो गए हैं। तो अब देख लें कि यहाँ पर हमारे पास जो एन हो गए वो 5 हैं प्रोसेस 4, और यहाँ पर जो स्टार्ट हो गए वो 9 है, तो 9 से हम 5 को हटा देंगे तो 4 बन जाता है, तो ये हमारे पास वेटिंग टाइम आता है। और इस तरह प्रोसेस 5 को ज़रा आप देख लें, तो प्रोसेस 5 जो है वो तो हमारे पास जस्ट बस एक है, ठीक है, और इसको हमने मतलब इस एक है मी वो कर लिया, मतलब कंप्लीट कर लिया। तो प्रोसेस 5 को आप ज़रा देख लें कि उसका स्टार्टिंग टाइम क्या है, तो स्टार्टिंग टाइम हमारे पास उसका 18 है, और मतलब कितना उसका वो था अरेवल टाइम उसका क्या था, 4 था, तो उससे हम माइनस करेंगे 14, इसका हमारे पास ये आता है वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। फिर इसके बाद हमारे पास प्रोसेस 6 हैं, तो प्रोसेस 6 हमारे पास चंद यहाँ पर हो गए, और जो है ना मतलब प्रोसेस 6 जो है ना सारा हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो प्रोसेस 6 में ज़रा देख लें, अरेवल टाइम हमारे पास का 5 है, और CPU बस टाइम 4 हैं, और प्रायोरिटी उसकी 0 है। तो इसके लिए हम जो निकालेंगे पाइप माइनस पाइप का मतलब ये होगा, आप ज़रा यहाँ पर प्रोसेस 6 में देख ले, स्टार्टिंग टाइम उसका 5 है ना, सही है, और उसका जो अरेवल टाइम है वो हमारे पास 5 है, तो 5 से 5 माइनस करेंगे तो 0 आता है। और इसके बाद हमारे पास प्रोसेस 7 है, प्रोसेस 7 में हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देख लें कि 12 पर वो स्टार्ट हुआ है, और उसका जो अरेवल टाइम है वो 6 है, तो 12 से हम 6 को माइनस करेंगे 6 आता है, तो ये हमारे पास प्रोसेस 7 का
क्या है, वेटिंग टाइम है। अब इन सारे इसको हम जो है ना ऐड करेंगे, और जितने भी प्रोसेस है लाइक 7 प्रोसेस है इस पर हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास 11.43 मिली सेकेंड आते हैं, जो कि हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम है। अच्छा, ये था हमारे पास प्रायोरिटी टाइम टू प्रायोरिटी स्केजलिंग, तो आई होप समझ आ चुका होगा। इसके बाद हम जो है ना एक दूसरे टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास मल्टी लेवल क्यू स्केजलिंग। मल्टी लेवल क्यू स्केजलिंग अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस स्केजलिंग एल्गोरिथम में। आप लोगों ने जिस तरह ट्रीट के लिए मुख्तलिफ काइंड ऑफ प्रोसेस थे सेम पेशेंट में, तो इसी तरह मतलब इन सारों में आप डिफरेंस भी कर सकते हैं ना कि हमारे पास में कुछ इंटरेक्टिव है कुछ नॉन इंटरेक्टिव प्रोसेस है। तो इस तरह इंटरेक्टिव प्रोसेस हमारे पास जनरली हमें रिक्वायर होते हैं फास्टर, हम इसको रिस्पॉन्ड करते हैं टाइम, एंड नॉन इंटरेक्टिव प्रोसेस में मीन इस तरह ये चीज़ें हमारे पास इसमें डिफरेंस होते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर मल्टी लेवल क्यू में हमारे पास चेंज चीज़ें आ जाती है कि हम जीरो जो है ना हमारे पास सिस्टम प्रोसेस होता है, वन हमारे पास इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है, और टू को हम इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, थ्री को हम बैच प्रोसेसिंग के लिए, एंड फोर को हम स्टूडेंट प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, और इसमें हमारे पास फिर पैक्स एब्सोल्यूट प्रायोरिटी भी आता है, टाइम स्लाइस भी आता है। तो जो टाइप हमारे पास एक प्रोसेस का होता है जो ऑटोमेटिकली हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं जब हम इंटर होते हैं एक सिस्टम में, तो वहाँ पर ये एलोकेट करता है करेक्ट क्यू को। और यहाँ पर अगर कोई भी दूसरा तरीका ना हो कि जब हम चेंज करें इस क्यू को एक प्रोसेस में तो हम एलोकेट करेंगे इसको क्यू को, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना पाइप क्यू होते हैं नीचे प्रोग्राम मतलब इस प्रोसेस में नीचे आपके पास इसके रिलेटेड डिफरेंस एग्जांपल होंगे। तो उसके थ्रू फिर हमारे पास उसमें बेसिकली जो और चीज़ें भी है तो, लेकिन इस मल्टी लेवल क्यू स्केजिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये क्यू जो है ना एक लेवल का नहीं होता बल्कि मल्टी लेवल क्यू होते हैं, एंड वो सारे प्रोसेस होते हैं डिफरेंट स्केजलिंग एल्गोरिथम पर। इस तरह आप देख लें एक हमारे पास चार मल्टी क्यू स्केजलिंग वो लेवल हैं, और इसमें हमारे पास मीन ये चार एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे, जिसमें फर्स्ट आप देख सकते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्च है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है, रैंडम राउंड रोबन है, एंड शॉर्टेज जॉब शॉर्टेज रिसोर्स रिटर्न जो है शॉर्टेज रिटर्न जॉब मतलब ये एक है। तो इसमें ये होता है कि आप देख रहे कि ऊपर जो लेवल होता है वो हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, और नीचे जो लेवल हो हमारे पास लोअर प्रायोरिटी होते हैं। तो अब ज़रा एक मल्टी क्यू स्केजिंग एल्गोरिथम आप परफॉर्म कर रहे हैं, और आप जो है ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस जो है हमारे पास सिस्टम प्रोसेस होता है, और शॉर्टेज जॉब फर्स्ट जो है ना हमारे पास प्रोग्राम प्रोसेस होता है, आर मीन राउंड रोबन जो है हमारे पास बैकग्राउंड प्रोसेस होता है, और जो हमारे पास एस आर जे जो है ये स्टूडेंट प्रोसेस होता है, तो मीन ये हमारे पास लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। अब आप एक फर्स्ट मल्टी क्यू में स्केजिंग कर रहे हैं और आप जो है ना एक सिस्टम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें फर्स्ट कम फर्स्ट एल्गोरिथम को यूज़ करें, तो मीन ये इस तरह होगा और ये कंटिन्यू होगा, और इसी में मतलब भी सीपीयू बिजी रहेंगे। तो जब ये मतलब टाइम इसके प्रोसेस ज़्यादा होंगे तो फिर जो ये शॉर्टेज जॉब पर्स वाला है प्रोग्राम प्रोसेस ये वेट करेगा, जितने प्रोसेस ज़्यादा होंगे वो उतना ही वेट करेगा, जितना ये शॉर्टेज जॉब पर्स वेट करेगा तो उससे ज़्यादा राउंड रोबन वेट करेगा, और उससे भी ज़्यादा ये एस आर जे ज़्यादा वेट करेगा। प्रायोरिटी हमारे पास पर्स की है ना। अब इस तरह भी हो सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट लेवल है क्यू है उस पर जॉब ख़त्म ही ना हो, तो मीन ये बाकी जो है ना इस तरह वेट करेंगे एंड उस एक जस्ट वो प्रोसेस होगी। तो इसमें हमारे पास एक एब्सोल्यूट प्रायोरिटी है, एक हमारे पास टाइम स्लाइस है।
पिक्स एब्सोल्यूट प्रायोरिटी में स्कीम में हम क्या कहते हैं, जॉब जो है ना हमारे पास पर जो जॉब हमारे पास सर्व करता है एक क्यू में एक नंबर पर, तो अगर यहाँ पर कोई जॉब क्यू में नहीं है तो फिर जॉब जो है ना क्यू टू पर जाएगा। मीन अगर पास कम पास मतलब उसमें कुछ नहीं है उस क्यू में तो फिर शॉर्टेज जॉब पास ये परफॉर्म करेगा, और अगर इसमें भी कुछ नहीं तो फिर इस राउंड रोबन पर जाएगा और फिर इससे नीचे फंस जाएगा। ये उस फार्म पा में होगा, मतलब अगर जॉब कम है या बिल्कुल नहीं है। अगर फर्स्ट लेवल पर जॉब बहुत ही ज़्यादा है तो फिर लास्ट वाले की जो है नंबर आना बहुत ही देर के बाद हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि जब इस तरह सिचुएशन हो कि यहाँ पर नो जॉब एन क्यू वन से ये, तो फिर जॉब जो है ना एन क्यू टू में काम करेगा, मीन वहाँ पर जाएगा। इसी तरह जॉब टू में कुछ ना हो तो फिर वो जॉब थ्री मतलब क्यू थ्री में जाएगा, वहाँ पर कुछ परफॉर्म करेगा। अगर वहाँ पर भी जॉब नहीं है तो फिर जॉब वन एंड टू मतलब इस तरह नहीं होगा, तो मीन इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा और लास्ट वन को परफॉर्म करेगा। तो मीन ये हमारे पास अपेक्स एब्सोल्यूट प्रायोरिटी है। अब हमारे पास टाइम स्लाइस है कि जिस स्कीम में हर क्यू जो है ना वो उसको अपना एक टाइम मिलेगा, मतलब जिस तरह मैं 10 मिनट दे दूँ कि 2 मिनट जो है ना मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये परफॉर्म करेगा, दूसरा जो है ना 2 मिनट वो परफॉर्म कर इस तरह करेगा अपने टाइम को पूरा करे, मतलब पूरा ना भी करे ना, लेकिन बस जैसे टाइम ख़त्म होगा वो सीपीयू ऑटोमेटिकली नेक्स्ट को वो असाइन करेंगे एंड उसको वो परफॉर्म करेगा। तो टाइम स्लाइस में स्कीम में हर क्यू जो है ना उसको एक टाइम स्लाइस मिलेगा और क्यू जो है ना खुद बहुत इस राउंड रोबन क्यू के तरह मतलब जिस तरह 2 मिनट पूरे होंगे सीपीयू ऑटोमेटिकली नेक्स्ट को एग्जीक्यूट हो मतलब नेक्स्ट को असाइन होगी और वो प्रोसेस जो है ना एग्जीक्यूट करेगा, और इस तरह जॉब जो है ना हर क्यू जो है ना एग्जीक्यूट करेगा एक स्पेसिफाइड टाइम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, और इस तरह ये कंट्रोल जो है ना फिर ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट क्यू को, और नेक्स्ट के परफॉर्म के बाद फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको ये परफॉर्म होगा। तो ये हमारे पास मल्टी लेवल क्यू स्केजिंग था, इसमें किस तरह काम होता है तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए अच्छा, इसके बाद हमारे पास मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केजिंग है। मल्टी लेवल फीडबैक स्केजिंग द मेन डिफरेंस बिटवीन द मल्टी लेवल क्यूइंग स्ट्रेटजी एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यूइंग स्ट्रेटजी। हमारे पास ये होता है कि डिड जॉब में मूव फ्रॉम वन क्यू टू अनदर ओवर टाइम इट इज़ possible to implement aging this way. A process move up to next high priority queue if it stay in one queue too long. बहुत ज़्यादा टाइम मतलब एक पर गुजर चुका हो तो फिर उसके बाद मतलब वो इस तरह प्रोसेस होगा। क्या है कि अगर मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्ट्रेटजी हम डिफाइन करते हैं, पॉलिंग हमारे पास कुछ पैरामीटर होंगे, उसी पैरामीटर के बेस पर हम ये सारा कुछ जो है ना वो क्या करेंगे परफॉर्म करेंगे। तो इसमें हमारे पास बेसिकली 3 क्यू यूज़ होंगे, एक हमारे पास क्यू नॉट होगा, और क्यू नॉट हमारे पास टाइम क्वांटम होते हैं जो 8 मिलीसेकंड मीन वो काउंट हम करेंगे, और इसके बाद क्यू वन है जो टाइम क्वांटम जो है 16 मिलीसेकंड आप इसको काउंट करेंगे, और इसके बाद हमारे पास क्यू टू है जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले स्ट्रेटजीज पर काम करेंगे। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं क्या होते हैं। बेसिकली इसमें हमारे पास नंबर ऑफ क्यू हम नोट करेंगे, ये एक पैरामीटर है। स्केजिंग एल्गोरिथम फॉर ईच क्यू के हम कौन सा यूज़ करें या मेथड हम कौन सा यूज़ करें डिटरमाइन करें कि हम जब अपग्रेड करें एक प्रोसेस को, और वो मेथड हम यूज़ मतलब वो मेथड भी बताएंगे कि यूज़ करेंगे हम डिटरमाइन जब हम डिनोट करते एक प्रोसेस को, और मैटर टू डिटरमाइन द क्यू ए प्रोसेस विल एंटर व्हेन दिस प्रोसेस नीड सर्विस। तो ये चीज़ें ये पैरामीटर आप लोगों ने याद रखने हैं, और इसके मुताबिक जिस तरह अभी देख रहे क्या होता है कि एक न्यू जॉब हमारे पास क्यू जो क्वांटम है क्वांटम को जो देख लेना क्वांटम इक्वल है 8, इसको आप कहेंगे क्यू नॉट, मीन ये हमारे पास वो फर्स्ट क्यू नॉट वाला क्वांटम है। सही है, जब एक जॉब हमारे पास इस
क्यू नॉट में, मीन जो क्वांटम इक्वल है जीरो में एंटर होगा, सही है। तो क्या होगा, विच इज सर्विस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, तो इस काम को वो परफॉर्म करेगा, अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को करेगा और इस तरह बाहर जाएगा, सही है। When it gains CPU job reserve 8 millisecond, इसको मतलब जो टाइम दिया है 8 millisecond, तो उसको वो करेगा और नेक्स्ट जाएगा। If it does not finish in 8 millisecond, अगर ये जॉब जो है ना बहुत लंबा है और 8 millisecond में ये पूरा नहीं होता, तो जॉब इज मूव टू Q1, सही है। तो आप देख लें, एक तो मतलब वो पूरा होगा तो जाएगा, अगर ये बहुत ही बड़ा है, आप इस एरेस को ज़रा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर जॉब हमारे पास पूरा होता है तो वो तो मतलब फिनिश होगा, वो बस जाएगा। अगर एक टाइम जॉब जो है ना वो पूरा नहीं होता, तो फिर आप देख सकते हैं वो नेक्स्ट क्वांटम इक्वल है 16 में आएगा, और इस क्वांटम इक्वल है 16 को हम कहते हैं Q1, ये टाइम क्वांटम 16 मिलीसेकंड्स के बराबर होता है, तो ये उसको एग्जीक्यूट करेगा अगर वो कंप्लीट होता है ये प्रोसेस, समझ आ रही है। क्या करेगा, अगर ये मूव करेगा Q1 को, और इस लेवल पर Q1 जो जॉब हम अगेन जो है ना पास कम पास सर्फ वाले एल्गोरिथम को यूज़ करेगा और इस तरह अपना काम करेगा, और एडिशनल जो 16 मिलीसेकंड होंगे उसको पूरा करेंगे, अगर पूरे होते हैं तो वो तो मतलब बस रिलीज होंगे CPU से, रिलीज होंगे एंड मतलब बस ख़त्म हो जाएगा। अगर ये स्टिल डज नॉट कंप्लीट, अगर ये सेकंड जो Q1 है मीन क्वांटम इक्वल है 16 में भी पूरा ये जॉब नहीं होता, तो फिर ये प्रेम्प्ट होगा और इस तरह नेक्स्ट जो क्यू है मीन हमारे पास Q2 जिसको हम Q2 कहते हैं, और इसको आप FCFS भी कह सकते हैं, तो मीन यहाँ पर आएगा और इसको परफॉर्म करेगा और कंप्लीट करके फिर मतलब प्रिंट होगा है ना, तो वो कंप्लीट होगा और फिनिश होगा। तो आई होप स्टूडेंट, ये तो था आज का ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लॉन्ग लेक्चर, इसमें हमने वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिए जो कि ज़्यादातर हर साल हर पेपर में ये टॉपिक्स उठाए जाते हैं, एनजी आते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप गूगल क्लासरूम में मुझे बता सकते हैं, और मैं आपको फिर उसके मुताबिक समझाऊंगी। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।